Hi, today I am discuss about next application Gauss theorem selective field due to non-conducting sphere. इससे पहले हमने conducting sphere में पढ़ा था, अब ऐसी उसमें हमने non-conducting sphere की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है आपका चार्ज रेस्ट में होता है। ये कोई आपका non-conducting क्या है sphere है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसमें ये non-conducting sphere है। इस पर चार्ज क्या है, अंदर ही होगा चार्ज इसमें, ये चार्ज है, ये चार्ज्ड है और इसकी रेडियस आपकी है, अंदर बाहर दोनों ओर होगा इसके चार्ज। तो जिसकी रेडियस आर है, इसके इनसाइड पर पॉइंट है कोई, यहां पर इनसाइड है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सरफेस है और इस कंडक्टर, ये कंडक्टर जो है इसके बाहर भी हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड। ये अंदर वाला पॉइंट हो गया, ये कोई क्या है चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग क्या है जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है। इससे बाहर किसी पॉइंट पर भी हमें फाइंड करना है, जो बी पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं, एक पॉइंट ये होगा जिसे मैं आर डैस के नाम से इसकी रेडियस जाना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस बाहर की ओर होगी, मींस रेडियली आउटवर्ड होगी। इस पॉइंट पर ई और डीएस की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और इसके बीच का एंगल, ई और डीएस के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो होगा। अब आते हैं इनसाइड द सरफेस ए की, इस सर्किल के अंदर फाइंड करते हैं इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, सरफेस एट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सरफेस सरफेस इस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने कहा था नॉन कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल है उसकी वॉल्यूम, जबकि कंडक्टिंग की क्या कहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा था, क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होता है, अंदर जीरो होता है, इसमें स्टार रहता है, तो रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, 4 upon 3 पाई, सॉरी रो इज इक्वल टू आपका होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, इस स्फीयर का 4 upon 3 कैपिटल पाई आर क्यूब। तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4 upon 3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा, इस स्फीयर का, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के का पर चार्ज इतना होगा, रो इंटू 4 upon 3 पाई आर क्यूब। लगा दो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ई डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आते हैं, इसकी बात करते हैं, ई डी एस मीन्स ई बाहर को आया, ई बाहर आया तो यहां पर इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा कॉस जीरो, इंटीग्रेशन डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू पांच एप्सिलॉन नॉट। देखो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ई हमें फाइंड करना है, इंटीग्रेशन डी एस खाली कॉस जीरो 1, यहां पर आया क्यू पांच एप्सिलॉन नॉट, क्यू पांच एप्सिलॉन नॉट। सपोज इसके सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है क्यू, देन ई इज इक्वल टू इसका एरिया, देखो जो डीएस है यहां पर छोटा सा एरिया होगा, यहां पर स्मॉल आर की डीएस क्या है, छोटा सा एरिया, टोटल क्या होगा इसका एरिया 4 pi r square, मींस स्मॉल आर स्क्वायर भी होगा। ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, सॉरी टोटल होगा इंटू 4 pi r स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन क्योंकि वैल्यू यहां पर होगी 4 upon 3 pi, अगर इस छोटे से इस पर चार्ज चाह रहे हैं तो इस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर होगा आपका, तो यहां पर Q होगा रो इंटू 4 upon 3 pi r cube upon epsilon naught।
तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, एक आर से 2 आर ये कैंसिल आउट हुए, तो यहां पर बना इज इक्वल टू रो आर अपॉन, रो आर अपॉन क्या 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा इनसाइड द रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा इनसाइड द सरफेस एट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, रो की वैल्यू रख सकते हैं, रो की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए नोट किया होगा बच्चों आपने, ये क्या होगा आपका रो की वैल्यू रखते हैं, या ये भी फॉर्मूला सही है इज इक्वल टू, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं रो, रो की वैल्यू क्या है आपकी क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R³, रो की वैल्यू ये है, और इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R³, ये भी हो सकता है, ये दो फॉर्मूले क्यों हों क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात है। नेक्स्ट है ऑन द सरफेस, ये इनसाइड अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, जबकि कंडक्टिंग सरफेस में 0 था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस सरफेस पर फाइंड कर रहे हैं, इस सरफेस पर फाइंड इजीली फाइंड हो जाएगा आपका, देखिए ये तो है नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है। इसके बाद आता है आपका ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस सरफेस यानी बी सी पॉइंट पर, यानी ऑन द सरफेस सी पॉइंट पर, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी और एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, तो गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो है, देखो ई डी एस के बीच की कौन सा एंगल होगा यहां पर 0 ही होगा, तो ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा ई बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डी एस की जगह हम क्या रख सकते हैं डी एस, देखो डी एस मीन्स यहां से यहां तक का रेडियस आर है, तो डी एस पूरा मीन्स 4 पाई R² होगा, तो ई इंटू 4 पाई R² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R², ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैपिटल आर होगा सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस यानी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नेक्स्ट कंडीशन है आउटसाइड द सरफेस, आउट साइड द सरफेस सरफेस मीन्स इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर भी ई की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, डी एस की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी, गॉस थ्योरम हम यूज करते हैं, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां की यहां से यहां तक की रेडियस में मैं मान देता हूं ये रेडियस आर डैश, तो यहां पर क्या होगा इसके बीच का एंगल तो 0 होगा, तो ये लिख सकते हैं मैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर किया कॉस 0 की वैल्यू 1, यहां पर बचेगा आपका खाली डी एस, डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो डी एस है आपका ये क्या है 4 पाई R² इसका एरिया 4 पाई R² होगा, तो इज इक्वल इंटू 4 पाई R² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² ये क्या है आपका आउटसाइड द सरफेस है।
अब देखो हमें ग्राफ भी ड्रा करना है, यहाँ पर इतना निकला, एक ग्राफ ड्रा करना है ई और आर में, एक ऐसा होगा जैसे पहले हमने कंडक्टिंग सरफेस में किया था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द सरफेस कितना था। ई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन फोर अपॉन सॉरी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये क्या है, इनसाइड द सरफेस है। आर क्या है, इनसाइड द सरफेस यानी सेंटर से जो अंदर तक की डिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या है, जो चार नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वे है। इसके अलावा नॉन, ये तो है आपका इनसाइड, ई इन लिख दे रहा हूं, ई ऑन सरफेस लिख रहा हूं, मी ई सरफेस ई एस लिख रहा हूं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² ये तो है आपका q/r², ये कैपिटल आर क्या है, उस सरफेस तक की रेडियस है। अब मैं लिख रहा हूं ई आउटसाइड, ई ओ लिख दे रहा हूं मैं, ई ओ ये जो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² है। ये तो है हमारे इनसाइड और सरफेस पर और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच कर्व ड्रॉ करना है, किसके बीच, ये कर्व ड्रॉ करना है ई और आर के बीच। ये आर है, डिस्टेंस है सेंटर से, ये ऊपर की ओर ई है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, जिसे ओ लिखते हैं, या सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जो ओरिजिनल जो हमारा स्फीयर था उसकी रेडियस, ये मैं कैपिटल आर यहां मान दे रहा हूं, ये कैपिटल आर था। तो यहां पर सरफेस पर कितना है, ई एस इज इक्वल टू, ये यहां पर है ई एस q/r² है, तो सबसे ज्यादा यहीं पर दिख रहा है आपका सरफेस पर। नेक्स्ट क्या है, q/r³, जैसे जैसे r को हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड मींस अंदर की ओर ये होगा, अंदर की ओर ये होगा, जैसे जैसे आपकी वैल्यू क्या होगी r कम कर रहे हैं तो ऐसे आ रही है। देखो सरफेस पर सबसे ज्यादा है, r कम करेंगे अंदर की ओर करेंगे तो जीरो हो जा रही है, क्योंकि r³ है, यानी r³ जितना ज्यादा होगा, यानी जितना कम होगा, यहां पर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी स्मॉल आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर को कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो ई आउटसाइड की बात करते हैं, तो ई आउटसाइड सॉरी एक मिनट, ये ई इनसाइड है तो क्यू आर है, ई इनसाइड आर क्या है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर बढ़ेगा तो इनसाइड वाला बढ़ेगा। और तो स्मॉल आर क्या है, ई इनसाइड, जो ई इनसाइड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ आता है लीनियर आता है, लीनियर मींस ये, या एक स्ट्रेट लाइन होता है, कब, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई इनसाइड, मींस ई इनसाइड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, तो इस टाइम लीनियर ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है एट एन इंक्लाइंड, यानी एक टाइप का ढलान आता है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं q/r² यहां पर होगा, ये अलग ग्राफ, ये इनसाइड मींस ये होगा इनसाइड का, और q/r² मींस यहां पर होगा। नेक्स्ट q/r² मींस वो ऐसे वेरी करेगा जिसमें हमने भी पहले पढ़ा था। तो ये ग्राफ क्या होगा, ई और आर के बीच होगा, नॉन कंडक्टिंग, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक टाइप का कर्व्ड है, और ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लीनियर होता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। ये इनवर्सली r² है, तो ऐसा होगा, q/r² ऐसा होगा। तो इसी के साथ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। थैंक यू।